ये हमारे ऐतिहासिक कस्बा कुंजपुरा के आखिरी नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, इसके दोनों तरफ तोपें रखी होती थी। नवाब की मुख्य इमारत थी, पंच महला था, ये इसको दीवाने खास बोलते थे। इर्द गिर्द के गांव की, देहात की, सबके फैसले, यानी कचहरी लगती थी इसमें। बड़ी मजबूत रियासत थी, यानी वजीर खान जो नवाब था वो दिल्ली के बादशाह था बहादुर शाह, उससे मिला हुआ था। मोहम्मद गजनी ने 1819 पे कुंजपुरा पर हमला किया था। करनाल का गांव कुंजपुरा, ये गांव हजार साल पुराना है। हजारों साल पुराना इस गांव का इतिहास है। नवाबों के नाम से ये गांव मशहूर है। नवाबों का यहाँ एक समय में रोब हुआ करता था, रुतबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब वो दौर नहीं रहा। अखीरले नवाब 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए। अखीरले नवाब की कई कहानियां हैं। कहा जाता है जब अखीरले नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान साहब का यहाँ दौर था, तब ना यहाँ हिंदू मुसलमान था, ना ही कोई धर्म जात पात को लेकर लड़ाई होती थी। मसले अनेक होते थे, लेकिन माहौल शांतिपूर्वक था। माहौल ऐसा था, कहा जाता है कि मसले बैठ के सुलझा लिए जाते थे। इब्राहिम साहब की चर्चाएं बहुत थी, लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। लोग बताते हैं उन्होंने कई मसले ऐसे ही सुलझाए। कुंजपुरा गांव वो पुरानी रियासत है जिसकी रियासत हजार साल पुरानी बताई जाती है। कई नवाबों का यहाँ दौर रहा, कई नवाबों ने यहाँ राज किए। इस गांव पे कईयों का राज रहा। नवाबों की जागीरदारी काफ़ी बड़ी थी, कई गांव इस गांव के अंदर आते थे। आज ये गांव करनाल के अंदर आता है, लेकिन एक समय होता था ये एक रियासत हुआ करती थी, हरियाणा की सबसे बड़ी। उस समय हरियाणा पंजाब हुआ करता था, उससे पहले का भी कई दौर हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी कुछ बदल गया है। कुंजपुरा तो बदल ही गया है, वक्त भी बदल गया है, समय भी बदल चुका है। 1947 के बाद जो नवाब साहब थे और उनका परिवार था, वो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए। दोबारा फिर आना नहीं हुआ, रिश्तेदार आए, लेकिन उसकी भी कई कहानियां हैं। कहानियां आज भी लोगों के जहन में हैं, कहानियां घूमती रहती है, लेकिन नवाब साहब का एक रुतबा और एक प्यार मोहब्बत का संदेश हमेशा लोगों के दिलों में रहा है। कई लोग उनकी तारीफ करते हैं। कई ऐतिहासिक धरोहरें आज भी इस गांव में है, जिसकी कुछ दीवारें बची हैं। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि उसका इतिहास सालों पुराना है, सैकड़ों साल पुराना। मतलब वो किला, वो मस्जिद, वो महल जो आजकल खंडर में तब्दील है, वक्त के साथ साथ उसके हालात अब वैसे नहीं रहे। कुछ तस्वीरें पुरानी जरूर है, कुछ पुरानी तस्वीरें संभाल के रखी हुई है, कुछ यादें बरकरार रखी गई है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये नवाबों का दौर ख़त्म हो चुका है। ये हमारे ऐतिहासिक कस्बा कुंजपुरा के आखिरी नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, जब ये बंटवारे का समय आया तब यहाँ से कुंजपुरा को छोड़ कर के इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। और एक बार तो इन्होंने मना कर दिया था कि भी नहीं, हम यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार के आदेश हुए, अंततः वह मिलिट्री भेजी गई और मिलिट्री का दबाव बनाया गया। उसके बाद ये यहाँ से जो है ऐतिहासिक कस्बा कुंजपुरा की रियासत को छोड़ करके पाकिस्तान गए हैं। जनाना महल है, ये थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ। नवाब की बेगम्स यहीं रहते थे, इसके साथ ही काफ़ी बड़ा मैदान है, मैदान आज भी है। नवाब की मुख्य इमारत थी, पंच महला था, ये इसको दीवाने खास बोलते थे। तो इर्द गिर्द के गांव की, देहात की, सबके फैसले, यानी कचहरी लगती थी इसमें, नुमाइंदगी यहीं से करते थे। इसके दोनों तरफ तोपें रखी होती थी, तोपें इस साइड पे भी उस साइड पे भी, ये भी हमने अपनी आँखों से देखी है। करीब करीब 12 नवाब हो चुके हैं। कहानियाँ तो बड़ी मजबूत रियासत थी, करीब ये इतिहास गवाह है कि भी कम से कम 150-200 गांवों की रियासत रही है उसमें। वजीर खान मुख्य रूप से हो गए, उसके बाद निजावत खां के बाद दिलेर खां के बाद गुलशेर मोहम्मद खां, तो इसी प्रकार से ये 10-12 लोगों की श्रृंखला है। इससे पहले मोहम्मद अली खां, फिर मोहम्मद इब्राहिम अली खां।
ये आखिरी नमाज। तो जी मोहम्मद इब्राहिम अली खान का जो चरित्र था वो अच्छा माना जाता है कि मेन बाजार में मुसलमान ताजिया निकालते थे। ताजिया, अब ताजिया ऐसा मान्यता है कि भी एक बार उठाने के बाद झुकाया नहीं जाता। तो सामने बाजार में पीपल था, पीपल का पेड़, और पीपल के प्रति गांव के हिंदू लोगों की आस्था थी। और जब वो ताजिया झुकाने की बात आई तो मुसलमानों ने मना कर दिया, हम ताजिया नहीं झुकाएंगे। तो उन्होंने कहा पीपल काट दीजिए। इधर से हिंदू लोगों ने कहा कि भी ये ब्रह्मदेवता का वास है, हम नहीं कटने देंगे। अंततः स्थिति विस्फोटक जो है हो गई, और फिर नवाब साहब को बुलाया गया, मोहम्मद इब्राहिम अली खान को, कि भी इसका निवारण कीजिए अन्यथा कत्लोगार्त की संभावना है। तभी उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए साथ वाली 3-4 दुकानें तुड़वाई और वो ताजिया साइड से ही निकाल दिया। पीपल भी बचा और दंगे से भी, और ताजिया भी निकल गया। हमारा जो आखिरी नवाब था, तो इनके पास हमारा एक हिंदू समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति यानी इनका हजाम था जो इनका खत बनाता था, और वो परिवार आज भी है कुंजपुरा में, आधा परिवार उनका नीलोखेड़ी चला गया। नवाब का तो यही बताते हैं कि भी अच्छे से भाईचारा उन्होंने बना के रखा। आगे इनके 4 लड़के भी थे, इनमें मोहम्मद इकबाल अली खान, फैयाज अली खान, असगर और अनवर अली खान। बल्कि जब ये चले गए थे पाकिस्तान, बाद में ये कीमती सामान लेने के लिए यहाँ कुंजपुरा में आए थे। हाँ, तो यहीं पे एक लाला अमरनाथ जी थे, उनके यहाँ ट्रांसपोर्ट यानी टांगे की जो ट्रांसपोर्ट थी, तो वो ट्रांसपोर्ट में एक नौकर रखा हुआ था उन्होंने, परशुराम जी सैनिक, तो वो उस टांगे पे था, सामान उन्होंने यहाँ से लाया था हवाई पट्टी कुंजपुरा के पास। तो यहीं कुछ नकाबपोशों ने हमला किया, तो जो नवाब का लड़का और उनका दोस्त, दो जने आए हुए थे, तो उन दोनों को मार दिया यानी बुरी तरह से घायल करके वहीं जंगल में फेंक दिया। वो 2 दिन तक तड़प के मरे। ये सारी कहानी जो मैं कह रहा हूँ परशुराम जी सैनी, ये मैंने उनसे पूछी है, बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि भी मैं उस समय में 14 साल का ही था जब ये मेरे सामने घटना घटी। मैं पूरा दिन तो बोल ही नहीं पाया, करनाल चला गया टांगा लेकर के, उन्होंने मेरे को धमका रखा था भी किसी को बोलोगे तो वे मार देंगे। उसके बाद नवाब साहब के रिश्तेदार सगे संबंधी वो कुंजपुरा में आए देर से देर, समय समय के ऊपर वो मतलब रोए, यहाँ आ करके देखा उन्होंने हालात, क्योंकि जितना भी उन्होंने मतलब जो है संरक्षण रख रखा था किले का, महलों का। की वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। की वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। की वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो अपना करना।